Hey guys, welcome back to the channel. और this time around I am uploading a very different video. ये एक vlog ही है, लेकिन ये vlog मैंने ऐसी तरीके से बनाया, पूरी अलग तरीके से बनाया. अपने title देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या चीज़ के बारे में होने वाला है. This video is going to be about Snapseed photo editing. काफ़ी यूट्यूबर्स यूज़ दिस ऐप known as Snapseed, लेकिन मैं इसको 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एंड नाउ आई कैन से कि मुझे इसके हर एक फीचर के बारे में पता है. तो क्या क्या चीज़ें हैं, हाउ टू एडिट अ पिक, ये स्क्रीन पे आप मेरा फ़ोटो देख सकते हो. ये फ़ोटो को मैं ये करके दिखाऊंगा. तो नाउ यू नो कि मैं क्या क्या एडिट करने वाला हूँ एंड व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू डू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन विद द वीडियो. स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन माई स्क्रीन, और अभी मेरा फेस आप नहीं देखोगे, अभी आप पूरा स्क्रीन ही देखोगे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ. सो एज यू कैन सी, ये साइड पे ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है एंड इधर भी एक लड़का है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये तीनों को गायब करने वाले हैं, और ये गायब हम करेंगे हीलिंग वाले फीचर की मदद से. व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डू दिस, जस्ट डू इट अगेन. ये 2-3 बार करना पड़ेगा और ये हो गया गायब. अब इसको गायब करेंगे, बट आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे हाथ में ये जो कैमरा है उसको कुछ ना हो. तो मैंने इसको कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया एंड इसको गायब कर दिया. इधर और एक है, इसको भी गायब करेंगे हम ऐसे करके, और इधर किसी का हाथ है. ओके, तो लोग तो गायब हो गए हैं और नाउ वी हैव द ओरिजिनल क्लियर पिक्चर. तो हम पहले इसको सेव कर देंगे. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, पहले तो मैं थोड़ा अपने चेहरे पर ब्राइटनेस लाऊंगा. ओके, एज यू कैन सी थोड़ा ब्राइट हो गया है, और मेरा जो टी शर्ट है उसका टेक्सचर थोड़ा कम करूंगा मैं एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे थोड़ा विथ सम स्ट्रक्चर. ओके, तो ये हो गया अपना, और नाउ यू कैन सी कि ये सब थोड़ा मेरा मुँह बराबर लग रहा है. नीचे के पार्ट में भी हम थोड़ा बढ़ाएंगे ब्राइटनेस, तो दिस इज़ लुकिंग क्वाइट गुड. अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम लोग ये जो अपना स्काई दिख रहा है आपको, उसको हम कलर करेंगे. क्या कलर करेंगे, यू हैव टू जस्ट गो टू द टेम्परेचर ऑप्शन, और टेम्परेचर को आपको करना है -5, आप -10 भी कर सकते हो. ठीक है, सो ये टेम्परेचर अपना आ गया है, और मैं धीरे 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 करके ऊपर की साइड पे ये लगा रहा हूँ. एज यू कैन सी पेंटिंग सॉर्ट ऑफ हो रहा है ये. तो ये मैंने पूरा स्काई जो है अपना उसको ब्लू कर दिया है. ये पार्ट थोड़ा बच गया अपना. ओके, इसको अपन पहले सेव करेंगे. तो ये जो है आसमान अपना पूरा ब्लू हो गया है. नाउ अभी जो, सॉरी फॉर दिस, अभी जो अपनी ज़मीन है, ज़मीन का टेक्स्चर हम थोड़ा बढ़ाएंगे. सो ये थोड़ा ब्राइट करेंगे इसको विथ अ बिट इंक्रीमेंट इन द कॉन्ट्रास्ट. सैचुरेशन नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि इसको ज़मीन वाली फील देनी है, तो सैचुरेशन थोड़ा कम रखेंगे. एंड दिस इज़ हाउ वी गोना डू इट. इधर भी सेम चीज़ करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे ब्राइटनेस को, सैचुरेशन को थोड़ा कम, और स्ट्रक्चर भी थोड़ा बढ़ाएंगे. सो अभी ये फ़ोटो थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मुझे. इधर अभी ये जो एरिया है वहाँ पर मुझे ग्रीनरी करनी है. ठीक है, तो ग्रीनरी हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव वंस अगेन. ये अभी हमको सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन थोड़ा इंक्रीज़ करना है. सैचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो रहा है कि ये पूरा ब्लू लग रहा है, तो अपने को ब्लू तो करना नहीं है. तो पहले हम थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे, फिर थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाएंगे, ताकि झाड़ का कलर ओरिजिनल आए भी, और स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ा दिया. सो दिस इज़ हाउ द ट्रीज एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग. ये भी पूरा ब्लू ब्लू लग रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्राइटनेस तो नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे और स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग. अभी फाइनल चीज़ हम लोग ये करने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ ब्रश एक्सपोजर मेरे चेहरे पर थोड़ा आएगा. ठीक है, वो एक्सपोजर ऐसे लगेंगे. आई स्टिल डोंट नो कि अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ. कुछ ज़्यादा ही गोरा लग रहा हूँ भाई, ये नहीं चलेगा. सो ये अपना फ़ोटो पूरा रेडी हो गया है.
और इसके बाद में मैं इसको थोड़ा एडजस्टमेंट दूंगा मेरे हिसाब से, बट दिस इज़ द फाइनल, दिस इज़ हाउ द फोटो इज़ लुकिंग। एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा DSLR वाला फील चाहिए और अगर फ़ोटो आपने फ़ोन से खींचा है तो नॉट एन इश्यू, ये लेंस ब्लर का जो ऑप्शन है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और ये यू कैन डू इट। आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हो बट इतना रखोगे तो ही इट इज़ सॉर्ट ऑफ गुड, और इसको थोड़ा ऐसा ओके। सो दिस इज़ हाउ मैंने लेंस ब्लर कर दिया है ताकि थोड़ा ऐसा अच्छा लग रहा है, मतलब मैं ही अकेला दिख रहा हूँ और बाकी सारा। अगर आपको नहीं करना है तो नॉट एन इश्यू, बट दिस वॉज द फोटो बिफोर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड दिस इज़ हाउ वी हैव मेड द फोटो। तो पहले काफ़ी ज़्यादा टिंट था फोटो, बहुत ही ज़्यादा कलर था और हमने सब कुछ नॉर्मल करने की कोशिश की है। सो या भाई देखो, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कोई फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल का व्लॉग बनाने की कोशिश में, एंड आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, बिकॉज मुझे पता है मैंने थोड़ा फास्ट किया लेकिन फास्ट में ही मज़ा है। अभी मैं 12-15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मज़ा तो आएगा नहीं, सो दैट्स द रीज़न मैंने ये वीडियो को ऐसा बनाया है। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस, और स्नैपसीड की बेसिक चीज़ें तो आपको पता चली गई होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और कोई भी डाउट हो स्नैपसीड के बारे में तो कमेंट में, अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं कमेंट में ही आपको समझा दूँ तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। दिस वॉज इट फॉर द वीडियो एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो।